जितना जितना अच्छा अच्छा है आपकी जिंदगी में उधर आपका ध्यान नहीं जाता। तुम सारी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने की ही चेष्टा में तो लगे रहते हो, तो जो भी तुम पाने की चेष्टा में लगे रहते हो वो तुम्हें मिलती नहीं है। कि जीवन में आनंद को पाने का एक ही उपाय है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से ऐसी आदत का शिकार हो जाता है कि जो उसके पास नहीं है उसी पर उसकी दृष्टि हमेशा घूमने लगती है, और उसी पर दृष्टि घूमने के कारण उसकी जिंदगी में चिंता, तनाव, नकारात्मकता भरती चली जाती है। आपके मुंह में 32 दांत हैं, अगर एक दांत में जरा सा कुछ हो जाए, हिलने लगे या कुछ हो जाए, आपकी जीभ बार बार वहीं घूमने लगती। जितना जितना अच्छा अच्छा है आपकी जिंदगी में उधर आपका ध्यान नहीं जाता, और जिधर आपका ध्यान जाता है वही चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती हैं। अगर प्रेजेंट सुखद प्रीतिकर चीजों की ओर आपका ध्यान जाता है तो वह प्रेजेंट चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ने लगेंगी, उनकी बाढ़ आ जाएगी, उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तुम सारी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने की ही चेष्टा में तो लगे रहते हो, तो जो भी तुम पाने की चेष्टा में लगे रहते हो वो तुम्हें मिलती नहीं है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में संघर्ष ज्यादा है, दुख ज्यादा है, सुख आनंद और परमात्मा की तरंग का आपको अनुभव ही नहीं। और मैं कहता हूं उसको पाने का एक ही रास्ता है, कृतज्ञता के भाव से भरना। और जब उन चीजों का स्मरण करते हो आप, तो अच्छी अच्छी चीजें जो आपकी जिंदगी में हैं, सकारात्मक चीजों की ओर अपने आप आपकी दृष्टि जाती है, आप विवश हो जाते हैं अपनी दृष्टि उधर ले जाने के लिए जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक। और जब उधर दृष्टि जाएगी तो आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपके भीतर का रसायन बदलेगा, जो कुछ होना चाहिए वो आपकी जिंदगी में होने लगेगा। लेकिन आप ये काम नहीं करते हो और सब कुछ बदलने की कोशिश करते हो, इसीलिए आपको असफलता मिलती है, कभी कुछ नहीं बदल पाते हो। और ऐसे ही हर आदमी के जीवन की कहानी संघर्ष की कहानी है। इसीलिए ना समझ लोगों ने कहा लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन संघर्ष नहीं है। हमने नासमझी के कारण इसे संघर्ष बना रखा, और इस नासमझी से हम कभी भी मुक्त हो सकते, सिर्फ समझ की क्रांति चाहिए। और प्रेम का अर्थ क्या होता है? जिसके प्रति आपके प्राणों में प्रेम हो जाता है, आपके जीवन की यही चेष्टा रहती है कैसे इसको अधिक से अधिक सुख दे दे, कैसे इसको अधिक से अधिक आनंदित कर दे। कम से कम उस क्षण जब उसके प्रति प्रेम से भरा होता है उसको आनंदित कर देना चाहिए। और जब अपने प्रेमी को आनंदित कर देता है तो अद्भुत आनंद की पुलक उसके चेहरे पर दौड़ने लगती है। प्रेम आनंददायी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे को आनंदित कर देते हैं, दूसरा तो आनंदित होता ही है, उससे ज्यादा आपका आनंद बढ़ जाता है। इस पृथ्वी के सभी आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने इस सत्य को स्वीकार किया कि जीवन में आनंद को पाने का एक ही उपाय है, दूसरों के आनंद को बढ़ा देना। इसीलिए दुनिया में धर्म कहीं भी पैदा हुए हो, इस पृथ्वी के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, मध्य में, एक कोने से दूसरे कोने में, लेकिन सभी धर्मों ने इस सत्य को स्वीकार किया। सभी संबुद्ध सदगुरुओं ने अपने प्राणों के इस अनुभव को चीख चीख कर कहा कि अगर तुम आनंदित होना चाहते हो तो दूसरों को आनंदित करने का प्रयास शुरू करो, दूसरों के जीवन में आनंद की तरंग पैदा करने का माध्यम बनो। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों ने देने पर विशेष जोर दिया, तुम दूसरों को दो, क्योंकि पाने का और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, आनंदित होने का भी और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तुम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो या जिंदगी में आनंदित होना चाहते हो, यही इतनी तो तुम्हारी जिंदगी की आकांक्षा है। जो जो पाना चाहते हो वो मिल जाए और तुम्हारे जिंदगी में आनंद की तरंग पैदा हो जाए, यही तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। और जिस जिसने भी जाना है, जिस जिसने भी पाया है, उन सब ने चीख चीख कर कहा है कि अगर तुम जिंदगी की सारी चीजें जो पाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए, तो तुम उन चीजों को देना शुरू करो। देना ही पाना है। अगर तुम आनंदित होना चाहते हो तो दूसरों के आनंद को बढ़ाना शुरू करो।
तभी तुम आनंदित हो सकोगे, अन्यथा आनंदित नहीं हो सकोगे। और इस अस्तित्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज आपसे कहना चाहता हूं, जो भी हमारे पास है वो बांटने से बढ़ता है और न बांटने से मरता है। तुम दूसरों को दुख दो तो तुम्हारा दुख बढ़ता चला जाएगा, और तुम दूसरों को आनंद दोगे तो तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। जो दोगे वही बढ़ेगा। बांटना ही बढ़ाने का मार्ग है। आनंद बांटो, तुम्हारा आनंद बढ़ता चला जाएगा। इसलिए समझदार आदमी कभी किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो जानता है कि दूसरे को दुख देना अपने ऊपर हजार गुना बड़े दुख को आमंत्रित कर लेना होता है। और बांटने वाले का पूरा जीवन ही उत्सव और आनंद से भर जाता है। आपने देखा होगा इस पृथ्वी पर जितने उत्सव मनाए जाते हैं उनके भीतर बांटने का विज्ञान ही समाहित है। उत्सव तभी उत्सव होता है जब उसमें बांटने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है। दुनिया के जितने भी उत्सव के दिन हैं सब बांटने के दिन हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। सारी दुनिया में जितने भी उत्सव के दिन हैं बांटने के दिन हैं। क्रिसमस में बांटते हैं, ईद में बांटते हैं, होली दिवाली में बांटते हैं। बांटना ही पाने का बढ़ाने का मार्ग है, और जो बांटना सीख लेता है उसके जीवन में हर दिन होली का दिन हो जाता है, उसकी जिंदगी की हर रात दिवाली की रात हो जाती है। आप देखो इस सूत्र को प्रयोग करके देखो। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा किसी को भी बांटना या देना वास्तव में परमात्मा के साथ शेयर करना है।